सबसेट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। तो सबसेट से मुझे इतना मालूम हो गया कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ए सेट में एक्स कोई भी एक एलिमेंट है तो वही एक्स बी में लाई करता है, ठीक है ना। कोई कोई बोलेगा ऐसे इनडायरेक्टली, अगर एक्स बी में नहीं है इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये था सबसेट का कहानी है, क्लियर। अच्छा सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 8n -7n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। y ऐसा एक सेट दिया है दैट इज 49 × n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। और मुझे प्रूव करना है x इज ए सबसेट ऑफ y, मुझे ये प्रूव करना होगा। प्रूव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ भयानक क्वेश्चन नहीं है जो दिखा गया है, डरावना वाला क्वेश्चन नहीं है, खाली ऐसे पगला लिखा है, ठीक है ना। तो प्रूव करते हैं। एक्स इस टाइप का एलिमेंट को लेकर बना हुआ है जहां एन एक नेचुरल नंबर। मैंने मान लिया इस चीज को, जैसे एक बड़ा एक्स था, मैंने इस चीज को मानता हूं छोटा एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 8n-7n-1, ठीक है ना। अच्छा एन मेरा क्या दिया है, नेचुरल नंबर। जब एन नेचुरल नंबर दिया है तो एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकता है। अगर हम उस ऑर्डर में 1 से लेके कुछ ऑर्डर तक हम ऐसे पुट करके देखते हैं एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स का जो जो वैल्यू मिलेगा उन वैल्यू को लेके कैपिटल एक्स जो सेट है वो बना हुआ है, यही ना। तो मैं लिखूंगा व्हेन जैसे एन इज इक्वल्स टू 1 तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 8 -7 -1 दैट इज 0। जब ऐसे एन का वैल्यू 2 पुट करूंगा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 64। -14 -1 तो लिखूंगा मैं 49। ऐसे एन का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 8³ तो 512। 8³ 8 × 8 × 8 मतलब 64 × 8 तो 64 × 8 512। माइनस एन का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 21 - 1 तो 490। मतलब अगर मैं ऐसा वैल्यू एन के जगह 4 पुट करूंगा, ठीक है ना, ऐसा अगर मैं प्रोसीड करता रहूंगा एक्स का वैल्यू ऐसे ऐसे आता ही रहेगा। तो यहां से मुझे मालूम क्या हो गया कि एक्स जो है वो 0, 49, 490 ऐसे आगे एलिमेंट्स होंगे
एक इनफाइनाइट सेट ऐसा ही बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट, वाई सेट के लिए देखते हैं। जब वाई सेट के लिए देखते हैं तो मैंने मान लिया कि लेट स्मॉल वाई इज 49 इंटू एन माइनस वन, एन भी नेचुरल नंबर दिया है, तो अगर मैं एन के जगह वन पुट करूंगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 49 इंटू जीरो जीरो। एन का वैल्यू टू पुट करूंगा तो 49 इंटू वन 49। एन का वैल्यू थ्री पुट करूंगा तो 49 इंटू टू 98। एन के जगह फोर पुट करूंगा तो 49 इंटू थ्री, बात समझ रहे हो ना, तो 147। ऐसे एन के जगह फाइव पुट करूंगा तो 49 इंटू फोर, बात समझ रहे हो ना, क्लियर, तो 196। ऐसे एन के जगह सिक्स पुट करूंगा तो 49 इंटू फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। 49 इंटू फाइव कितना होगा, 245। अगर हम ऐसे बढ़ता जाऊंगा, मान लो एन के जगह 11 पुट करूंगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 49 इंटू टेन 490। फिर ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं, ऐसे अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरे पास जो वाई सेट बना हुआ है वो कैसे बन जाएगा, जो वाई सेट बनेगा 0 49 98 147 196 245 ऐसे 490, फिर ऐसे आगे आएगा, नहीं मेरा वाई सेट आ गया। ये दोनों सेट को जब मैं कंपेयर करूंगा, एक्स सेट और वाई सेट, जब ये दोनों सेट को मैंने कंपेयर करूंगा तो मुझे देखा, मुझे मिला यहाँ पे कि वाई तो बड़ा है एक्स से, एक्स का सारा एलिमेंट वाई के अंदर है बट सारा एलिमेंट वाई का एक्स के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मालूम हुआ, क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर इन वाई बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई आर नॉट इन एक्स। इसका मतलब मेरे को मालूम क्या हो गया कि एक्स जो है दैट इज ए सबसेट ऑफ वाई, प्रूव हो गया। समझ में आया ना बेटा, सबसेट का जो कहानी है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बी में रहेगा, पर बी का कोई एलिमेंट होगा तो कोई गारंटी नहीं है वो ए के अंदर में हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब कभी भी ए में एलिमेंट रहेगा ही नहीं, ये सबसेट का कहानी है, ठीक है ना। इसको नोट करो और अभी हम देखेंगे एक सेट से कितने सबसेट्स ऐसे निकल सकता है, ठीक है ना, नोट करो उसको। अब देखते हैं कि अगर एक सेट गिवन होता है तो कितने सबसेट्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट, अगर कोई एक सेट गिवन दिया गया है तो उस सेट से क्या क्या सबसेट्स निकल सकता है हमें डिस्कस करना है। एक तो मुझे कन्फर्म मैं हो गया हूँ कि फाई तो सबसेट होगा ही होगा,
मगर कुछ भी ना लूँ, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो अगर मान लो ए कोई भी एक सेट होगा तो फाई तो उसका सबसेट होगा, ए भी खुद उसका सबसेट होगा, अपने आप ए अपने आप का सबसेट होता है। तो बाकी जो एलिमेंट्स है उनको लेकर हम कैसे कैसे सबसेट्स बनता है हम देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज लेट ए सेट में दिया है 1 2, दो ही एलिमेंट है। तो मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके सबसेट सब लिखो, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। अच्छा, फाई एक सबसेट होगा ही होगा, फाई ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो कंपलसरी है। अगर मैं सिंपली खाली वन को लेके यहाँ से कॉपी किया वन और बाहर लेके पेस्ट कर दिया और एक सेट बना दिया, तो एक एलिमेंट वन को लेके ऐसा भी सबसेट बना सकता हूँ, टू को लेके ऐसा ही सबसेट बना सकता हूँ। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन एलिमेंट लेके मैंने दो सबसेट ऐसे बना दिया। तो बाकी बचा क्या है, बाकी 1 2 बचा है, वो खुद ए है, तो ए भी अपने आप का सबसेट है। तो मेरे पास मालूम हो गया ये चारों इस ए सेट का सबसेट है, क्लियर। सपोज और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए सेट में एलिमेंट ए बी सी। तो मुझे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का सारा सबसेट्स लिखो। सॉल्यूशन लिखते हैं, कुछ नहीं लूंगा तो फाई तो एक सबसेट होगा ही होगा। अगर एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट लूं तो सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, ये भी एक एक सबसेट होंगे। एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स लूंगा तो ए बी, ये सेट भी सबसेट है, बी सी, ये भी एक सबसेट है, ए सी, ये भी एक सबसेट है। तो तीन ऐसा ही सबसेट मिल गया, टेकिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स एट ए टाइम। फिर देखो बाकी तो तीन की बारी है, पूरा तीनों ही तीनों अगर मैं उठाता हूँ तो पूरा ए सेट के बराबर होगा और खुद अपने आप का एक सबसेट है। तो ये सारे मेरे इस ए सेट का सबसेट से। तो कितना मिला यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना मिला था, 2 था 4 मिला था, इसमें 3 था 8 मिला है। तो यहाँ से ऐसा एक जनरल रूल बन गया इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज 2 to the power n। अगर किसी एक सेट में n एलिमेंट जनरली होता है तो उसमें कितने सबसेट्स आएंगे, 2 to the power n सबसेट्स आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट था तो 2 का पावर 3 दैट इज 8, इसमें 3 था ना तो 2 का पावर कितना होगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 एलिमेंट था तो कितना होगा सबसेट्स, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, तो 1 2 3 4, 4 सबसेट्स है ना। अगर मान लो मैं बोलूँगा कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 to the power 5, 32 सबसेट्स बन सकते हैं, क्लियर। सबसेट्स का कहानी समझ में आया ना। अच्छा, इसका जो प्रूफ है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाऊंगा इसका प्रूफ बता दूंगा क्यों 2 to the power n होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए कॉम्बिनेशन का कुछ टर्म यहाँ पे यूज होगा, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे इसका प्रूफ बता दूंगा मैंने, ठीक है ना बेटा।
याद करके मुझे पूछ लेना। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements respectively. दो फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट दूसरे में n एलिमेंट है। सपोज क्वेश्चन लिखा है इफ the total number of subsets of first set is 112 more than the number of total number of subsets of second, then find the value of m and n. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्कूल वाले भी देते हैं क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, दो सेट है, दो सेट में एक में टोटल एलिमेंट्स m है, दूसरे में टोटल एलिमेंट्स n है। तो मुझे मालूम क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट दैट इज 2 to the power m होगा। नहीं, अगर एक सेट में m एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 to the power m। ऐसे में लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट, ये कितना होगा, 2 to the power n। अगर मैंने सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n मानता हूं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 to the power n। क्वेश्चन क्या दिया है कि फर्स्ट में जितना सबसेट्स होते हैं उसका नंबर सेकंड में जितने होते हैं उससे 112 ज्यादा है, 112 ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे m और n का वैल्यू फाइंड करना होगा। प्लानिंग तो मालूम हो गया, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। कैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 to the power m माइनस 2 to the power n दैट इज 112। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे। इन पे थोड़ा बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये मैन तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन दिया है, कैसे इसे कैसे होगा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मैंने थोड़ी लिखा हूँ, मैं तो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखा हूँ। जैसे मान लो 2x + 3y = 5, ये लीनियर इक्वेशन होता है, इस टाइप का दो इक्वेशन होता है तो दो वेरिएबल का वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन थोड़ी दिया है, तो इसको जब सॉल्व करूँगा मैंने देखा कि ये ज्यादा बड़ा है ये छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि m जब n से बड़ा है इससे माइनस करने में 112 आ रहा है ना, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो मैं दोनों में से 2 to the power n जो छोटा वाला उसको कॉमन लेता हूँ। अगर मैं 2 to the power n कॉमन लूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो होगा ना,
क्यों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में टू टू द पावर एम आएगा ना, टू टू द पावर एन इंटू टू टू द पावर एम माइनस एन, पावर ऐड हो जाएगा, एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, टू टू द पावर एम बचेगा, टू टू द पावर एन इंटू वन टू टू द पावर एन आएगा, क्लियर। अभी ये जो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आया, इस 112 को मैंने एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो 112 जो है इसको फैक्टराइज करेंगे तो नहीं, इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा टू टू दी पावर एन इंटू टू टू दी पावर एम माइनस एन माइनस वन, दैट इज टू टू दी पावर फोर इंटू सेवन। ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है, यहाँ पे टू टू दी पावर एन वाला, यहाँ पे टू टू दी पावर फोर वाला। तो यहाँ से मुझे मालूम क्या हो गया, टू टू दी पावर एन को टू टू दी पावर फोर बोलता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन में जो एलिमेंट है उसको मैं बराबर करके देख रहा हूँ। फिर लिखूंगा टू टू दी पावर एम माइनस एन माइनस वन, दैट इज सेवन, तो एन का वैल्यू फोर मिला। इसको जब सॉल्व करूंगा सेवन प्लस वन एट, टू का क्यू लिख दूंगा, तो यहाँ से मालूम हो गया एम माइनस एन का वैल्यू थ्री है, एन का वैल्यू फोर होगा, तो एम का वैल्यू सेवन होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू सेवन एंड n इज इक्वल टू फोर, क्लियर। सबसेट्स के बारे में आइडिया हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लियर है ना। अच्छा इसको नोट करो पहले, ये सात क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, सात क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करना, जो डाउट वगैरह होगा फिर पूछ लेना, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेट्स का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको नोट करो और घर में जरूर जाके इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है।